कलाम होने का मतलब क्या है? इस एक हस्ती का परिचय किन शब्दों में कराया जा सकता है? शायद एक वैज्ञानिक, देश के प्रथम व्यक्ति, चिंतक, प्रेरणादायी व्यक्तित्व। 84 साल की उम्र कम नहीं होती, लेकिन अगर वह उम्र एपीजे अब्दुल कलाम की हो तो कतई अधिक नहीं मानी जा सकती। कलाम साहब से बहुत कुछ सीखना शेष था। देश के दक्षिणतम शहर रामेश्वरम में एक मुअज्जिन पिता के साए में पले बढ़े अब्दुल पकीर कलाम बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े थे। कई दफा एपीजे कलाम ने लिखा कि एक ही रोशनी है और हम सब उस लैंप शेड की सुराखें हैं। रोशनी की वो सबसे बड़ी और रोशन सुराख आज खत्म हो गई। असल में कलाम असफलता के बाद सफलता की अदम्य कहानी है। सफलता वो भी ऐसी विराट। कलाम होने का मतलब होता है बच्चे बच्चे की जबान पर जिस वैज्ञानिक का नाम हो। कलाम यानी मिसाइल मैन, कलाम यानी एरोस्पेस तकनीक के बड़े जानकार, कलाम यानी बच्चों के प्यारे राष्ट्रपति, कलाम यानी सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति। रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक स्कूल में शुरू हुए उनके दीक्षा संस्कार से लेकर शिलोंग में आईआईएम में छात्रों के बीच आखिरी संबोधन तक कलाम साहब ने जितना सीखा उस ज्ञान को, उस विचार को आगे बढ़ाया। कलाम जिन्होंने नौजवान इंजीनियर के तौर पर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और डॉक्टर सतीश धवन के साथ काम किया। कलाम जो हमेशा छात्रों से कहते कि नकारात्मक सोच किसी सफर में 20 बैग साथ लेकर चलने की तरह है, जो आपके सफर को दुश्वार बनाती है। कलाम का मतलब होता है लोगों को यह सिखाने वाला कि अकादमिक मेधाविता आईने से अलग नहीं होती। एक बार धूल हटा दो, आईना चमकने लगता है और परछाई साफ होती है। कलाम का मतलब है जो परमाणु परीक्षण के दौरान मेजर जनरल पृथ्वीराज के कूट नाम से काम करे और परीक्षण के विस्फोट से पहले जो यह बुदबुदाए कि ईश्वर की शक्ति विध्वंस नहीं करती, यह एक करती है। कलाम का मतलब है वह ऋषि जो सादगी से जिए, जो विज्ञान के सिद्धांतों पर न सिर्फ रक्षा में अपने देश को ताकतवर बनाए है, बल्कि जो यह भी कहे कि नैनो बायो कागनो तकनीकों का नवजात अभिसरण इस बात की गवाही है कि प्रकृति सिर्फ सिरजती ही है। कलाम वह हैं जो तरक्की के लिए एक ऐसे नजरिए की जरूरत बताते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि सामाजिक पिरामिड के निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए जीने की शर्तें भी सुधरेंगी और जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सरहदों से परे होंगी। कलाम का मतलब है एक ऐसा वैज्ञानिक जो अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करे और जो खुद अखबारों की सुर्खियों में आ जाए, जो मिट्टी के तेल के दियो के नीचे पढ़ाई करे और खुद रोशनी की लौ बन जाए। कलाम का मतलब है एक ऐसा संत जो देश को एक तयशुदा वक्त के अंदर विकासशील देश की सरहद से बाहर निकालकर विकसित देश बनाने का विजन पेश करे। कलाम का मतलब है समाज का हर वह शख्स जो अपने लिए एक मिशन लेकर चलता है और उस मिशन को पूरा करने में जुट जाता है। कलाम का मतलब है अप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो की प्रेरणा। कलाम का मतलब है हम और आप। कलाम का अर्थ है खुद कलाम। कलाम मर नहीं सकते, कलाम मरा नहीं करते।
देश के सुदूर उत्तर पूर्व में शिलांग शहर से जो ही डॉक्टर कलाम के निधन की खबर आई, पूरा देश शोक के माहौल में डूब गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी ने भारत के इस रत्न को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 11th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एंड ही वाज भारत रत्न। As President of India, Dr. Kalam was immensely popular and greatly admired. His warmth, humility, and simple ways endeared him to be one and all. He had a special love for children and sought to constantly inspire the youth of our country through motivational speeches and personal interaction. Dr. Kalam will be long remembered for his passion for science and innovation and his contributions as an eminent scientist, administrator, educationist and writer. Dr. Kalam's achievement as leader of India's defense research establishment vastly enhanced the safety and security of our nation. For his tireless service to the nation, he was honored with numerous prestigious awards. In his passing away, we have lost a great son of India, who dedicated his entire life for the welfare of the motherland and its people. Dr. Kalam was a people's president during his lifetime and will remain so even after his death. I pay my respectful homage to my late departed friend, Dr. APJ Kalam. The first phase when he was heading the Defense Science Research Establishment, where he developed India's missile program and contributed greatly to defense preparedness and technology of the country. The second phase, as a much loved President of the Republic of India, where he very easily mixed with the public and interacted with the public. And the third phase was his, after he had ceased to be the President of the Republic, he became a teacher, a very popular teacher. He interacted with young people, lectured throughout the length and breadth of the country. So each one of these phases played a role in his public persona. Bharat ke purva rashtrapati और विशेष करके युवाओं के प्रिय श्रीमान अब्दुल कलाम जी के निधन के समाचार पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशादर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। भारत को सशक्त बनाने में वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। और आज जीवन का अंतकाल भी विद्यार्थियों के बीच
अपने प्रिय काम को करते करते ही उन्होंने वो अंतिम क्षण भी बिताई। सामान्य परिवार में जन्मे हुए, तमिलनाडु में दूर सुदूर रामेश्वर से जीवन की यात्रा प्रारंभ की और हिंदुस्तान के जन जन से लेकर के विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। व्यक्तिगत मेरे जीवन में एक उत्तम वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे थे, उनके साथ बहुत निकटता से काम करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने व्यक्तिगत जीवन में तो एक उत्तम मार्गदर्शक को खोया है, देश ने अपने एक ऐसे सपूत को खोया है जिसने भारत की सेवा की, भारत को सशक्त बनाने के लिए जिसने अपनी पल पल लगाई, भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए। ऐसे महापुरुष की विदाई मैं नहीं मानता हूं कि कोई भर पाएगा। देश ने बहुत कुछ आज गवाया है, मैं उस महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश आज शोक मग्न है, उनका कार्य हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं फिर एक बार इस महापुरुष के जीवन को, उनके कार्य को, उनकी प्रेरणा को नमन करते हुए देशवासियों को इस शोक संतप्त अवस्था में, गहरे सदमे की इस अवस्था में मेरे पास अधिक कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। रामेश्वरम के एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का डॉक्टर कलाम का सफर साहस, जीवटता और जिजीविषा की एक अद्भुत कथा है। एक ऐसी कथा जिससे करोड़ों करोड़ भारतीय हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। सपने वे नहीं होते जो सोते समय नींद में आए, लेकिन सपने वे होते हैं जो रात में सोने ना दें। ऐसी अलहदा और जुदा सोच रखने वाले, सपने देखने वाले और सपनों को साकार करने वाले स्वप्न दृष्टा थे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, यानी एक ऐसी गैर राजनीतिक शख्सियत, ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व जिनकी अप्रतिम उपलब्धियों की वजह से राष्ट्रपति भवन के द्वार स्वतः खुल गए। सहज, सरल और सामान्य व्यक्ति से एक विराट व्यक्तित्व में रूपांतरण का दुर्लभ उदाहरण है डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व। डॉक्टर कलाम यानी सच्चे अर्थों में भारतीयता के ध्वजवाहक और आजीवन अविवाहित रहकर देश के लिए जीवन समर्पित करने वाला ऐसा व्यक्तित्व जो सभी के लिए एक महान आदर्श है। अभाव में पले लेकिन चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा देश के लिए किसी प्रेरणादायी कहानी से कम नहीं। आई आउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। विज्ञान की दुनिया के एक शोधक से देश का प्रथम नागरिक बनना और मानवता का साधक बनने की उनकी जीवन यात्रा एक ऐसी सत्य कथा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन अभावों से भरा रहा, लेकिन हर नकारात्मक घटना की तह में सकारात्मकता और अवसर की संभावना की सीख देने वाले अब्दुल कलाम के लिए पारिवारिक परिस्थितियां कभी आड़े नहीं आई। अभाव और दबाव को अवसर और प्रभाव में बदलने की कला एपीजे अब्दुल कलाम में बचपन से ही थी। माता, पिता और शिक्षकों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा और आरंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद अपने सपनों की उड़ान को अनंत विस्तार देने के मकसद से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया।
जीवन में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने बतौर वैज्ञानिक 1962 में इसरो में कदम रखा और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV परियोजना के प्रबंधक बनाए गए। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन ज्ञान विज्ञान और तकनीक को समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम की कठिन मेहनत और प्रतिबद्ध इच्छा शक्ति के बलबूते 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर जब श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने सफल उड़ान भरी तो परियोजना की सफलता से डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने 20 वर्षों तक इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक DRDO में रहे। डॉक्टर कलाम 10 वर्ष तक DRDO के अध्यक्ष रहे और इस दौरान देश ने स्वदेशी तकनीक से मिसाइल निर्माण कार्यक्रम के सपने को साकार किया। भारतीय सैन्य क्षमता की रीढ़ मानी जाने वाली पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसे ब्रह्मास्त्र के सपनों को साकार मां भारती के इसी सपूत ने किया और देश एक वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 1990 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता की खुशी मनाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। पोखरण 2 में अगर देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व हासिल था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके वैज्ञानिक और तकनीकी सूत्रधार थे। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। एक प्रखर राष्ट्रवादी और निर्विवाद व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कलाम जब 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो देश के आम जनमानस का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर कलाम की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई। वे साहित्य में रुचि रखते थे, कविता लिखते थे, वीणा बजाते थे और आध्यात्म से गहरे से जुड़े थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति दीवानगी, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा मस्तिष्क का प्रज्वलन और बच्चों में भविष्य के भारत के सपनों को साकार करने की दीक्षा देना उनका आजीवन धर्म रहा। सभी मुद्दों को मानवीयता की कसौटी पर परखने वाले सर्वधर्म संभाव के प्रतीक डॉक्टर कलाम का जीवन मानवतावाद का पोषक था। जीवन के अंतिम दिनों तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के आगंतुक प्रोफेसर रहे और जीवन लीला की समाप्ति भी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के कार्यक्रम में हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी एक ऐसे युग पुरुष जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रेरणा स्रोत मानेगी, भारत और भारतीयता के एक ऐसे प्रतीक जिन्हें पूरा विश्व सच्चे अर्थों में मानवतावाद का पोषक मानेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम ने खुद को राष्ट्रपति भवन तक सीमित नहीं रखा बल्कि वो लगातार देश के लोगों के बीच, देश के युवाओं और बच्चों के बीच जाते रहे और इसी कारण से वो देखते ही देखते देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बन गए। लोगों के लिए वो उनके अपने जैसे थे तो राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक। செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் அணியன்ப நாட்டிற்கு இவ் ஐந்து. தட் இஸ் கோட் த இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தட் கான்ஸ்டிடியூஷன் நேஷன் ஆர் பீயிங் டிசீஸ் ஃப்ரீ, வெல்த், ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஹார்மோனியஸ் லிவிங் அண்ட் ஸ்ட்ராங் டிஃபென்ஸ் அன்கோட். ஆல் அவர் எஃபர்ட்ஸ் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் towards building these 5 elements at various levels in a coherent and integrated manner. I have been convinced that our nation with a strong, vibrant and billion plus population can contribute to realize these elements. Today, our country facing the challenges such as cross-border terrorism, certain internal conflicts and unemployment. To face these challenges, there must be a vision to
to ensure the focused action of 1 billion citizens of this great country with varied capabilities. What can be the vision? It can be none other than transforming India into a developed nation. Can government alone achieve this vision? Now we need a movement in the country. This is the time to ignite the minds of the people for this movement. We will work for it. We can emerge as a developed nation if we do not learn to transact with speed. I recall a saintly poet Kabir's wisdom to us, Kal Kare So Aaj Kar, Aaj Kare So Ab. That means what you want to do tomorrow, do it today, and what you want to do today, do it now. The vision of developed nation needs to be achieved with parliamentary democracy, which is the core of our government system. The basic structure of our constitution has stood the test of time. I am confident that it will continue to be the responsive to the demands of changing situations. The first and foremost task is to respect and uphold the constitutional processes. In the best interest of our people and our nation, without fear of favor, with fairness and firmness. India is a union states of based on the framework of cooperative federalism. Within the cooperative framework, there is also a requirement to develop competitive strengths for the states so that they can excel at the national level and the global level. Ishwar mein Dr. Kalam ki asim aastha thi. वो ये मानते थे कि सभी धर्म बेहद खूबसूरत होते हुए भी अलग अलग द्वीपों की तरह हैं और शिक्षा ही वो सेतु है जो इन द्वीपों को एक साथ जोड़ती है। 22 states I have visited. This is 23rd state J&K. Everywhere. I visit. Every religion. Name it, every religion I visit. But all the religions, when you go inside the religions, they are beautiful, they are lovely, they are full of fragrance, but they are islands, beautiful islands. What is education? Education is really giving a bridge to the silence. With so many multiple, historically, it is the evolution of a multiple religions in J&K when it came and a lot of unequilibrium generated. Then an equilibrium society was generated with out of multiple religions in this place, in J&K, Jammu and Kashmir. कलाम साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे तमिल में कविता भी लिखते थे और वीणा भी बजाते थे। उनकी कलम भी कमाल की थी। जाते जाते उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम छोड़ जाते हैं उनके कुछ ऐसे वाक्यों के साथ जो उन्होंने आत्मसात कर लिए। सपने देखना उनकी आदत में शुमार था, क्योंकि वो मानते थे कि सपने अगर देखे जाएंगे तो वो हकीकत भी बनेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। पर डॉक्टर कलाम ने छोटा सपना कभी नहीं देखा। उन्होंने दुनिया को भी संदेश दिया, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। कलाम मानते थे कि बड़े सपने देखने के साथ इंसान उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करे तो इंसान को सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। वो कहते थे, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर कलाम में गजब की ऊर्जा थी, गजब की ताकत थी। 84 वर्ष की उम्र में भी अपने अंतिम समय तक वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं।
उनको ऊर्जा देती थी उनकी ये सोच कि महान सपने पूरे करने के लिए ताकत चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत होनी चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। वो मानते थे कि ईश्वर ने मानव को असीमित ताकत दी है जिन्हें विकसित किया जा सकता है। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम जहां कहीं भी जाते थे युवाओं का बच्चों का मार्गदर्शन करते। उन्हें देश के लिए कुछ करने और भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए शपथ दिलाते। वो कहते, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। डॉक्टर कलाम ने खुद अपने लिए ही नहीं देश के लिए सपना देखा, उनके जीवन का मंत्र था, आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके।